सर, जो हमें सैंपल प्राप्त हुए थे वहाँ से पिंजौर और मोहाली से, हमने वो 15 तारीख को यहाँ से डिस्पैच करके फाइनल कंफर्मेशन के लिए, जो हमारी भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ से कंफर्मेशन के लिए भेजा था। उसके आज ही रिज़ल्ट मिले हैं। और जो 1 करोड़ का सैंपल वहाँ का था पिंजौर का, वो कन्फर्म हो गया कि उसमें H5N8 टाइप का वायरस है। और जो मोहाली का 1 क्रो भेजा था, उसने भी H5N8 टाइप का वायरस है। इसी तरह हमने वो उसी दिन 2 पोल्ट्री फार्म थे यहाँ पर, लेयर का फार्म था वो अंडे देने वाली मुर्गियों का था। उसमें से एक अल्फा पोल्ट्री फार्म है बहेड़ा गांव डेरा बसी के पास, और दूसरा है रॉयल। इन दोनों के सैंपल भी आज जो है कन्फर्म कर दिए गए हैं हमारी जो सबसे बड़ी लैब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भोपाल में, और ये कन्फर्म हो गए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर जहाँ क्रो और जैसे वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड पॉजिटिव आते हैं तो उनके बारे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस एरिया में सिर्फ सर्विलेंस ही किया जाएगा। लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन जहाँ पर पोल्ट्री है पंजाब में, जैसे हमारे एक ही जगह पर 2 पोल्ट्री फार्म में ये पाया गया कि वो कन्फर्म हो गए, तो वहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो पूरा चलेगा। 1 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह हम उसकी पोल्ट्री को कलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब गवर्नमेंट की सहायता से। और जो 10 किलोमीटर का एरिया एपी सेंटर से आगे है वहाँ पर ओनली सर्विलेंस की जाएगी, और उसके बाद ही वहाँ तो जो 1 किलोमीटर में टोटल पोल्ट्री की मूवमेंट बंद कर दी जाएगी। उनमें H5N8 का जो पुष्टि की गई है वहाँ से भोपाल की लैब से, और ऑलमोस्ट जहाँ जो पिंजौर में है, जो मोहाली में क्रो है, और जो पोल्ट्री फार्म है, चारों में एक ही H5N8 वायरस की पुष्टि पाई गई है। ये इतना घातक नहीं है जितना H5N1 है।